देखो जरा सा वीडियो सही से आ रहा है, ज्यादा चमक गया, देख के बताओ छोटू। हेलो गुड इवनिंग प्रेरणा, अनिकेत, मित्रसेन, प्रिंस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो देख लो जरा सही से आ रहा है फोटो, पहचान में आ रहा है नाम और आवाज सब जा रहा क्लियर, एक बार जरा बता दो फटाफट। हेलो प्राची, गुड इवनिंग। संयुक्ता मणि, गुड इवनिंग। नमस्ते विश्वराज। कोमन, गुड इवनिंग। ये बात बताओ जरा कि सही से आप लोगों को वीडियो पहुंच रहा है वहां तक और ऑडियो, ये जरा कंफर्म कीजिए, उसके बाद तो हम लोग शुरू कर देंगे फिर क्लास। साक्षी, यस, चलिए ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। अमित, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। प्रेम, अश्विनी, चलिए बहुत कम बच्चे हैं अभी, कहाँ गए हैं सब, फटाफट से आ जाइए और हम लोग अब क्लास स्टार्ट करेंगे। आज टेंजेंट एंड नॉर्मल का ये सेकेंड क्लास होने वाला है। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं थियोरिटिकल पोर्शन और कुछ सिंपल से क्वेश्चन भी किए थे, जिसमें कि टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप पे क्वेश्चन हम लोग किए हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं टेंजेंट और नॉर्मल पे ही आगे और क्वेश्चन। थ्योरी आपको सारा याद होगा, एक बार जब रिवाइज करवा दें। यदि आप किसी y बराबर fx फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाय dx निकालते हैं, तो वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट कर्व। एंड इफ यू पुट अ स्पेसिफिक पॉइंट x1 y1 इन द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, यदि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहते हैं टेंजेंट जो खींचा गया है उसका, तो आपको वो पॉइंट पुट करना होगा डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू में। ये कल देखे थे और साथ ही देखे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था अपना वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, मतलब वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही था कि नहीं। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब क्या था? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में था कि जहां पे स्लोप लिए थे dy बाई डी एक्स, तो इस बार स्लोप ले लेते हैं माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, यही था बस, और तो कुछ भी नहीं था कल वाली क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आपको जहां बताए थे, जो एक इंफॉर्मेशन देना था कि बहुत सारे बच्चे में कंफ्यूजन ये हो गया कि सर आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लिए हैं तो आप जो है सो क्लास नहीं लेंगे क्या यहाँ पे? बिल्कुल लेंगे छोटू। देखो क्या है ना कि अभी सिचुएशन ऐसा खराब था कि ऑनलाइन ही क्लास सारा जगह लेना पड़ता है, ऑफलाइन तो सारा बंद है। तो उसी में यूट्यूब का जो वीडियो सब बना रहे थे इतने दिनों से, तो वही देख के एक वहीं से कॉल आया कि यूट्यूब इसके आपका वीडियो देखे तो अच्छा है, तो आप यदि अनअकैडमी पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ाइए, और बहुत दिन पहले एक बार अप्लाई भी किए थे। तो फिर उसी तरह से उसमें जो है सो कॉल आया, फिर एग्रीमेंट हुआ, तो फिर उसमें पढ़ाना है। 17 तारीख से लाइव आएंगे उस पर भी। 17 तारीख, 17 मतलब आपका परसों है, परसों 11 बजे दिन में पहला सेशन है, फिर 18 तारीख। इस तरह से आप यदि उसपे फॉलो कर लेते हैं हमको, तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। वहां पे दो तीन तरह का क्लास लेंगे हम वहां पे, मेनली एक IIT JEE के लिए, जो इस बार 11th में बच्चे आए हैं उसके लिए वो क्लास है 11 बजे से 17 तारीख को। फिर 11th का भी होगा, 12th का भी क्लास होगा, आप लोग का भी क्लास वहां पे होगा, आप लोगों को भी आके पढ़ना है और 11th का भी पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, आपसे बस यही कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो है ना वहां भी आके पढ़ेंगे हमसे, वहां भी फ्री है, वहां भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आप लोग घबराना नहीं कि कोई पैसा किसी से लिया जाएगा। बस अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है, और वहां पे आपको जब क्लास लेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, तो वहां पे आपको लाइव आके पढ़ना है। ओके, वहां पे जो 11th में स्टार्ट करेंगे छोटू, वो तो बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे आपके रिलेटिव 11th में भी हो गए वो भी पढ़ सकते हैं वहां पे। 12th में आप लोगों को वहां पे ना इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, ये सारा चीज यहाँ पे चल ही रहा है, इंटीग्रेशन से वहां 12th में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हार्ड भी है, यहां भी पढ़ाया जाएगा ही,
हो सकता है थोड़ा वीडियो फ्रिक्वेंसी कम हो, लेकिन यहाँ भी पढ़ाई होगा, बट वहां भी आपको आके पढ़ना है। एक महीना शुरुआत में क्या है ना कि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा आप मेरे साथ वहां जुड़ के पढ़िएगा उतना आपको तो बेनिफिट होगा ही, आप पढ़ेंगे तो, और उससे बेनिफिट हमको भी होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइव लर्नर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप लोग को वहां भी पढ़ना है और फ्री है वो भी, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है और पढ़ाई स्टार्ट करना है, ओके। तो ये चीज है। फिर आईडी जेई के लिए जो मेनली है वहां पे आपका क्लास होगा, ठीक है ना, बात समझे। तो घबराने का जरूरत नहीं है कि आप सर पढ़ाएंगे नहीं, क्या बंद कर देंगे, है ना, कहीं ना कहीं से आपको पढ़ाते ही रहेंगे, जो वादा किया आपको पढ़ाने का तो वो चीज चलता रहेगा। हाँ, इंटीग्रेशन वहां पे चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और उसमें क्या है ना कि वहां पे आपको देखे ही होंगे, आप पढ़े होंगे तो पोल का ऑप्शन होता है, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, उसमें प्राइज भी मिलेगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए, तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास जो स्टार्ट करते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल हम लोग थ्योरी सब पढ़ लिए थे, थ्योरी कवर कर लिए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल का पहला क्वेश्चन। अच्छा, और एक बात और, अभी एक वीडियो आपका जो है बना के डाल देंगे, आपके जो भैया या दीदी को भी इस बार 12th का एग्जाम दिए हैं और किसी कारण से उनका नंबर कम आ गया है, तो उनको क्या है ना कि बता दीजिएगा कि रीवैल्यूएशन का मतलब रीचेकिंग का आप जो चैलेंज कर सकते हैं उसका डेट आ गया है, उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, वो शेयर कर दीजिएगा सबके साथ ताकि उनको पता चल सके और फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, पॉइंट निकालने वाला क्वेश्चन कल किए थे, आपको याद होगा, एक क्वेश्चन किए थे जिसमें कि पॉइंट हम लोग निकाले थे, याद होगा आपको। अब चलिए, स्लोप तो निकल ही जाता है आपसे, पॉइंट निकालने वाला क्वेश्चन किए थे एक, और आगे देख रहे हैं हम लोग अब अगला क्वेश्चन सारा क्या है। देखिए लिखा हुआ है कि एट व्हाट पॉइंट लिखेंगे क्वेश्चन आप जरा, At what points on the curve x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0 is the tangent parallel to y-axis? ये है क्वेश्चन, देखो ये है अपना क्वेश्चन आज का, आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस, इस कर्व पे कौन सा पॉइंट होगा, है ना, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वाई एक्सिस के। तो टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल कैसे होगा, ये बात है यहां पर। तो देखिए आप क्या करना है इसमें, आपको पॉइंट निकालना है, पॉइंट जैसे कि आप इससे पहले आप जो क्वेश्चन करवाए थे कल लास्ट वाला क्वेश्चन, पॉइंट कैसे निकाले थे, सेम उसी तरीके से आपको यहां भी पॉइंट निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन की नहीं, बताइए। अब हम निकालते हैं पॉइंट, देखो सबसे पहले तो आप एक कर्व मान लीजिए, के वाला कर्व है ये, x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0, ये कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व पे आप कोई पॉइंट मान लीजिए, कर्व पे कोई पॉइंट है P, और इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 कोऑर्डिनेट मान लीजिए P पॉइंट का। अब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट पैरेलल किसके हैं, तो पैरेलल है y एक्सिस के, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है आपका ये टेंजेंट, ओके। तो चलिए देखिए, टेंजेंट यदि पैरेलल y एक्सिस के, तो y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, y एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड 1/0, ठीक है, कैसे,
ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, कौन? y एक्सिस। तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा 1/0 हो गया, ठीक है। 1/0 लेते हैं हम लोग, tan 90 अनडिफाइंड होता है, तो 1/0 हम लोग जो है ना यूज करते हैं, ठीक है। ये 1/0, ठीक है, यूज करते हैं कैलकुलेशन में, कितना 1/0। समझ में आ रहा है बात आपको? तो स्लोप हो गया यहां पे 1/0 y एक्सिस का, तो बताइए इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 1/0 होगा, ठीक है। स्लोप हो गया कितना? 1/0, किसका? टेंजेंट का, ठीक है। चलिए अब बताइए आप कि ये जो पॉइंट है इसका टेंजेंट का स्लोप 1/0 है, तो एक और तरीका है टेंजेंट का स्लोप निकालने का। वो एक और तरीका कौन सा है बच्चों? एक और तरीका है वो डिफ्रेंशिएट करके। एक तरीका तो हो गया ये दिए इंफॉर्मेशन से निकाल लिए, एक और तरीका है इसको डिफ्रेंशिएट करो, यहां से dy/dx निकालो। तो चलिए वो तरीका अपनाइए आप। ये तरीका यदि आप अपनाते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का हो गया 2y इंटू dy/dx माइनस 2 माइनस 4 इंटू dy/dx इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा आपको? चलिए अब यहां से dy/dx दो जगह पे है, कॉमन लेते हैं, और ये 2 जो है ना सब जगह से कॉमन लेके हटा दीजिए, तो यहां पे dy/dx इंटू में y माइनस 2 बचेगा, और दूसरे तरफ जो जाएगा वो दूसरे तरफ जाएगा 1 माइनस x। तो dy/dx का वैल्यू कितना हो गया? 1 माइनस x अपॉन y माइनस 2, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोग को? बताइए किसी को कोई तरह का दिक्कत तो नहीं यहां तक में? दिक्कत हो रहा है तो बोलेंगे, ये वो 1 हो गया ना तो वो उधर चला गया, तो प्लस 1, ये वो उधर गया तो माइनस, ठीक है। और जो है सो हमारा 1/ यहां पे देखिए वाई माइनस 2 जो है सो कॉमन लिए हैं dy/dx, तो ये dy/dx का वैल्यू आ गया। अब आप क्या करेंगे? स्लोप तो 1/0 है, यही तो स्लोप आया ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 बराबर, इसी में x1 y1 पुट कर दीजिए, ये x1 y1 पे स्लोप निकल गया। अब जो इसका वैल्यू है, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है छोटू, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो ये है, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इसके बराबर होगा, 1/0 के बराबर होगा, दोनों तो स्लोप है टेंजेंट का ही, इसलिए दोनों इक्वल होगा, तो इक्वल कर देते हैं अब हम लोग। तो इसको इक्वल करेंगे किसके? 1/0 के। तो 1/0 से इक्वेट करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा वैल्यू बताइए। 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2 इक्वल टू 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये 0 इक्वल टू y1 माइनस 2, तो y1 इक्वल टू 2 आ गया, y1 का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब आप इस y1 के वैल्यू को पुट करेंगे कहां पे? कहां पे पुट करेंगे? तो उसके लिए बताए थे कि देखिए यदि ये पॉइंट है x1 y1 इस कर्व पे लाई कर रहा है, x1 y1 यहां पे लाई कर रहा है कर्व पे, तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट x1 y1, यहां से एक इक्वेशन मिलेगा आपको। अभी तो आप पॉइंट का कमाल देखे कि टेंजेंट पे है, तो उसका हम लोग स्लोप निकाल लिए टेंजेंट का, ठीक है। पॉइंट x1 y1 पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसका स्लोप निकाल लिए, और वो स्लोप बराबर होगा 1/0 के, क्योंकि दोनों लाइन है पैरेलल, और ये इसका स्लोप 1/0 होता है y एक्सिस का, इसलिए दोनों का हो गया स्लोप 1/0, इक्वल कर दिए उसको और इसको, y1 निकल गया। अगला इक्वेशन जो अपना होगा वो अगला इक्वेशन यहां से निकलेगा, देखो उसमें इक्वेशन में
एक्स वन वाई वन पुट करो, पुट एक्स वन कॉमा वाई वन इन गिव कर्व, इन कर्व बिकॉज बिकॉज इट विल सेटिस्फाई, बिकॉज इट विल सेटिस्फाई इट, क्योंकि उसको लाई कर रहा है उस पर तो सेटिस्फाई करेगा। इसको पुट करते हैं वहां पे, एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स वन माइनस फोर वाई वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसमें आप पुट कर दो वाई वन इक्वल टू टू, अब इसमें वाई वन इक्वल टू टू पुट कर दो तो एक्स वन का स्क्वायर प्लस, दिख रहा है ना, एक्स वन का स्क्वायर प्लस, ठीक है ध्यान दीजिए पुट करिए जल्दी बताइए, वाई वन के जगह पे टू होगा तो ये फोर हो गया माइनस टू एक्स वन माइनस सिक्सटीन प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आप बताइए छोटू एक्स वन का वैल्यू कितना आ रहा है, तो एक्स वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन और ये हो गया चार और एक पांच तो सोलह ग्यारह इक्वल टू जीरो, यही आ रहा है ना, देखो तो चार एक पांच तो माइनस इलेवन हो रहा है, ध्यान दीजिए कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ क्या, वाई वन का वैल्यू टू आ रहा है तो टू पुट किए हैं तो फोर हो गया है, यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो फोर पुट कर देते हैं, एट होना चाहिए, चार एक पांच ये तीन होगा, ठीक है यहां पे तीन होगा है ना। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो इसको तोड़ना होगा, तो कैसे तोड़ेंगे, माइनस थ्री एक्स वन, ऐसे देखो एक्स वन स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वन प्लस एक्स वन, ठीक है माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स वन माइनस थ्री और यहां पे प्लस एक्स वन प्लस वन सॉरी इंटू एक्स वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस तरह से तोड़ देंगे दो भाग में, तो यहां से एक्स वन का वैल्यू आया थ्री और एक आया माइनस वन, एक्स वन का दो वैल्यू आया थ्री और माइनस वन, ठीक है दो वैल्यू आया एक्स वन का। अब आपका एक्स वन दो तो आया है और वाई वन भी आपको एक आया है, तो बताइए पॉइंट क्या होगा, इसलिए हमारा जो फाइनल पॉइंट होगा वो पॉइंट्स आर ये एक्स वन, एक्स वन लीजिए तीन तो एक्स वन थ्री लेंगे, वाई वन, वाई वन की जगह पे तो टू है एंड एक्स वन लेंगे एक बार माइनस वन और वाई वन की जगह पे टू ही लेंगे दोनों बार, तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बताइए किसी बच्चों को यदि कोई दिक्कत है अभी तक में तो आप बोल सकते हैं, यहां पर बताइए किसी को दिक्कत तो नहीं, दिक्कत है तो बोलेंगे हम हट जा रहे हैं यहां से, आप बोलिए कोई दिक्कत है तो, और नहीं दिक्कत है तो आप छापिए गुड इवनिंग रिया नीलू और ऋतिक। देख लीजिए आप लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पॉइंट ऐसे निकालते हैं, पहले पॉइंट मानते हैं फिर दिए हुए कंडीशन से एक बार स्लोप निकाले और एक बार जो स्लोप अपना होता है डी वाई डी एक्स से वैसे निकाले, दोनों के इक्वेट किए तो वाई वन मिला, फिर पॉइंट एक्स वन वाई वन को कर्व में सेटिस्फाई करवा के एक इक्वेशन निकाले, उस इक्वेशन में वाई वन को पुट किए तो एक्स वन दो मिला तो पॉइंट मिल गया एक्स वन कॉमा वाई वन, दो दो पॉइंट मिला। तो फिर आगे बढ़ना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बात। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ले रहे हैं,
देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखे हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट 2,0 एंड 3,0 आर एट राइट एंगल देखो अभी राजवंश बिल्कुल ठीक है, हम अभी तक आगे का नहीं पता, चलो बिल्कुल सही है, तो अपना हम सुना और पढ़ाई करो। देखो क्वेश्चन पढ़ दे रहे एक बार फिर से, प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट्स दिस 2,0 एंड 3,0 आर एट राइट एंगल। यही क्वेश्चन था, 2,0 और 3,0 बिल्कुल सही है, क्वेश्चन सही है। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर लाइन है तो ये प्रूव कैसे होता है बच्चों? दो लाइन परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों का स्लोप निकालेंगे। यदि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है तो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है। ये बात तो आप जानते हैं बचपन से। देखिए ये लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2 और m1 into m2 equal to यदि -1 हो जाए तो मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। ठीक है, तो आपको किसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है? आपसे पूछा गया है कि टेंजेंट्स, दो टेंजेंट जो होगा वो दोनों परपेंडिकुलर है। राइट साइड का बल्ब बंद कर दीजिए, ये वाला बल्ब से चमक रहा है क्या? रुको बंद कर देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। अभी ठीक है, देखो चलो देखो, तो हम लोग जो है ना यहां से लाइट तो कम नहीं हुआ ना, देख लो सही से लाइट जा रहा कि नहीं बताओ। यहां से हम लोग को क्या करना है कि दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालना है पहले, दोनों को फिर प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे और यदि आपका दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो प्रूव हो गया कि परपेंडिकुलर है। तो एक का पहले हम लोग कर्व जो दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 किसी का बना क्या? डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 एट 2,0 डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 पुट करिए इसमें 2 इंटू 2 माइनस 0 कितना हो गया बताइए? 2,0 है था ना, 3,0। तो देखिए dy by dx जो है इसका वैल्यू कितना होगा, इसमें पुट कर दिया जाए तो इसमें हो गया 2 × 2 = 4 हो गया। देख लो ठीक है यहां तक? हां जी। अब आइए, कह रहा था टेंजेंट का स्लोप निकल गया वहां पे, देख लो अब आगे हम लोग क्या करेंगे? अभी भी ठीक नहीं हुआ है। अच्छा छोड़ो, अरेंजमेंट की प्रॉब्लम है, वो चीज वैसा ही रहेगा, अब उसको छोड़ दो तुम, है ना, उसको छोड़िए, बनाइए ध्यान से, इस पे देख के ध्यान दीजिए।
स्लोप वन कैसे आया तुम्हारा, माइनस पांच करना है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, माइनस वन आ रहा, बिल्कुल सही। प्रेरणा पांच कहाँ गया, पांच गया था अभी नाश्ता करने के लिए, आ गया है, आ गया है पांच। देखो अब, देखो अब जो है ना छोटू, अब क्या है आपका कि dy by dx का वैल्यू एट 3.0 बताना है। तो dy by dx इक्वल टू 2 गुना 3 माइनस 5 1 हो गया। नाउ ये m1 का वैल्यू है और ये है m2, m1 इंटू m2 देख लो, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 हो गया, इसीलिए इसीलिए बोथ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, दोनों टेंजेंट जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके चलिए ठीक है, समझ के बाद उधर नहीं लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए, आप लोग से बहुत चिंता करने लगते हैं, अब इधर ही लिखेंगे, यहां लिखेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस क्या किए dy by dx निकाले और मल्टीप्लाई करके देखे तो माइनस वन आया, इसलिए प्रूव हो गया कि दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है बहुत आसान था नीतू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या था ना, इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट दिया हुआ था कि किस पॉइंट पे टेंजेंट का आपको स्लोप चाहिए, वो दोनों पॉइंट दिया हुआ था। तो dy by dx किए और dy by dx करने के बाद सिंपली उसमें पॉइंट जो दिया हुआ था दोनों पुट किए तो स्लोप आ गया दोनों, फिर हम लोग प्रोडक्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं छोटू, लिखो क्वेश्चन जरा, फाइंड अ पॉइंट फाइंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, वेयर द टेंजेंट्स है ना इज पैरेलल टू, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग 3.0 एंड 4.1। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन 3.0 और 4.1, ध्यान देने वाला बात है यहां छोटू, देखिए फाइंड ए पॉइंट, एक पॉइंट निकालना है बच्चों, एक पॉइंट निकालना है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, दिस पैराबोला एक क्वेश्चन दिया हुआ है कर्व का, इस पे पॉइंट निकालना है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्व दिस टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस, इन दोनों पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन बनेगा, कॉर्ड जो बनेगा, इन दोनों पॉइंट को मिलाने पे जो कॉर्ड बनेगा, ठीक है, उन दोनों कॉर्ड वो उन दोनों पॉइंट को मिलाने जो कॉर्ड बनेगा ना, उसके पैरेलल कौन है टेंजेंट। एक बात ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट 3.0 है वो इसी कर्व पे है क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, बाहर आ गया, जाओ जाओ जल्दी देखो, हाँ, 3 पुट करिएगा, 3 माइनस 3
तो जीरो का स्क्वायर हो गया जीरो, तो वाई जीरो मतलब ये 3.0 इसको सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ये जो पॉइंट है वो इसी पे है। 4.1 इसमें पुट करेंगे 4, तो 4 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1, तो y1 निकल रहा है, मतलब ये भी पॉइंट उसी पे है, ये पॉइंट उसी पे है। ये बात पता चलने से आपको ये फायदा मिला कि यदि आप कर्व का ड्रॉ करते हैं इस तरह से, मान लीजिए कर्व ड्रॉ करते हैं आप, तो आपको पता है कि इस पे पॉइंट है कोई 3.0 और एक पॉइंट है आपका 4.0, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो कॉर्ड बना, ये जो कॉर्ड बना इस कॉर्ड के पैरेलल है कोई पॉइंट मान लिए ऐसे हम लोग, ये रेंडमली फोटो बनाया गया है, ऐसा कोई नहीं है कि आप ऐसे ही बनाइए, आपका मन है आप ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, जैसे मन है वैसे बना सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने वैसे बनाइए, ये ऐसे रेंडमली बना दिया है। ये पॉइंट पी आपको निकालना है जी, पॉइंट पी निकालना है, क्या होगा पॉइंट पी निकालना है, ओके। अब देखो पॉइंट पी निकालना है, पॉइंट ये है दोनों को मिलाने पे जो कॉर्ड बना उसके पैरेलल है, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है कॉर्ड के। सबसे पहले काम करेंगे इसका स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पता है तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला स्लोप निकालने का, वाई कोऑर्डिनेट का अंतर अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 0 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 3, 0 हो गया, देखिए 0 हो गया कि नहीं, तो 0 हो गया तो इसका भी स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, स्लोप इक्वल टू 0 बिकॉज बोथ आर पैरेलल, इसका भी स्लोप 0। अब आपको करना क्या है कि इसका स्लोप एक दूसरे तरीका से निकालना है डिफरेंशिएट करके। नाउ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स तो 2 आ गया इंटू एक्स माइनस 3, तो ये हो गया आपका 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब एट x1, y1 इस पॉइंट पे क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, पॉइंट इसमें पुट करिए x1 माइनस 3, तो ये हुआ आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रहा है और दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो रहा है 2 इंटू x1 माइनस 3, ठीक है। अब दोनों टेंजेंट का ही स्लोप है, तो दोनों यदि टेंजेंट का ही स्लोप है बच्चों, दोनों को इक्वेट करिए, तो दोनों को इक्वेट करिए, एक होगा ना कहां पे जी छोटू, y2 माइनस y1 तो 0 हो गया और x2 माइनस x1 तो 1, तो 0 बाई 1 0 ही होगा ना बच्चों, है ना। अब कहां पे 1 बोल रहे हैं आप, 2 इंटू x माइनस 3, तो सही लग रहा। अब चलो अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि नाउ इक्वेटिंग बोथ, इक्वेटिंग 2 इंटू x1 माइनस 3, इक्वेट करिए 0 से, तो x1 का वैल्यू 3 निकल के आ रहा है, स्लोप 1 होगा, स्लोप 1 होगा, एक सेकेंड, अच्छा ये वाला पॉइंट गलत लिखाया है क्या, 4.1 है देख लो, ओहो ये पॉइंट जो यहां पे है छोटू, ये देखो जरा सा 4.1 है यहां पे, ये गलत लिया गया, ये बोलना था आपको 1 माइनस 0 था, चलिए ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो हम लोग इसको इक्वेट यदि कर दे तो कितना आ गया, x1 माइनस 3 इक्वल टू 1/2, जिससे कि आपका वैल्यू यहां से x1 का आ जाएगा 3 प्लस 1/2, कितना आया बताओ जरा सा, y2 1 है बिल्कुल, देख लीजिए अब हम देखो 4.1 लिखिए, अब बताइए जरा सा आपको यहां तक क्लियर हो गया x1 का वैल्यू, तो पॉइंट क्या आया 7/2, 1/4, ये तो x कोऑर्डिनेट निकला। अब x कोऑर्डिनेट को कहां पुट करेंगे, इस पॉइंट में यहां पुट कर दो, है ना, पुट कर दीजिए आप,
तो y1 निकल जाएगा, तो y1 इक्वल टू x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x1 का वैल्यू पुट करने पे, x1 का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो y1 का वैल्यू निकल गया, y1 निकल गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो y1 जैसे ही निकल गया इसीलिए पॉइंट पॉइंट हो गया 7/2, 1/4 आंसर 7/2, 1/4। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आप लिख सकते हैं यहां से, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है? पैराबोला छोटू जो है ना, 11th क्लास में पढ़ना था। ठीक है, तो 11th क्लास में पैराबोला जो पढ़ना था उसी में इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ना है। पैराबोला जो होता है एक फिगर है ना, ये 2D ज्योमेट्री पढ़ना है। तो किसी भी फिगर का जो है सो उसका इक्वेशन होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है, पैराबोला का इक्वेशन। इक्वेशन पैराबोला का जनरली होता है क्या, एक पे स्क्वायर रहेगा वाई या एक्स, किसी एक पे स्क्वायर रहेगा और दूसरे में लीनियर रहेगा। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x, या फिर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये पैराबोला है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। शो दैट द कर्व्स x इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल इफ 8k² = 1। इफ 8k² = 1। ठीक है, देखो अब ध्यान से क्या है ना कि आपको यहां पे दिख रहा है कि शो दैट द कर्व्स, ये और ये दो कर्व है, एक है x = y² और एक है x (y) = k। ये दोनों कर्व है और दोनों कर्व कट करेगा राइट एंगल पे, एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेगा यदि 8k² का वैल्यू 1 हो जाए तो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा कि यदि आप एक कर्व ऐसे बनाते हैं और एक कर्व ऐसे बनाते हैं, दो यदि कर्व ऐसे बनाते हैं तो दोनों के बीच का एंगल का मतलब क्या है। तो दोनों के बीच का एंगल का मतलब ये एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं है दोनों के बीच का एंगल का मतलब, दोनों के बीच का एंगल का मतलब ये भी नहीं है। दोनों के बीच का एंगल का अर्थ होता है कि जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट किया, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट किया मान लीजिए, तो जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट पे टेंजेंट पहले ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट। तो जैसे कि ये वाले कर्व, मान लीजिए ये वाला कर्व है x = y², तो इस कर्व पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे टेंजेंट हुआ ये। ठीक है, अब इस कर्व पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अब इस कर्व पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसी पॉइंट P पे, ये हो गया टेंजेंट। अब दोनों का जो टेंजेंट है उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल
उन दोनों कर्व के बीच का एंगल कहलाता है। दोनों पे जो है ना टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वही कर्व के बीच का एंगल कहलाता है। अनुभव बिल्कुल सही बोले आप। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, तो आपको यदि दोनों के बीच का एंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री प्रूव करना है तो इसका मतलब है कि आपको टेंजेंट के बीच का एंगल प्रूव करना है। समझ रहे हैं? तो आपको पहले स्लोप चाहिए दोनों टेंजेंट का, M1 और M2 चाहिए। ये M1 है, ये M2 है, दोनों चाहिए आपको। और स्लोप पता करने के लिए आपको ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए। पॉइंट P भी तो नहीं है आपके पास, पॉइंट P कैसे मिलेगा पहले ये दिमाग लगाना है। पहला काम स्टेप वन कि आपको P निकालें, P निकालें, पहला काम आपको P निकालें। ठीक है, तो फॉर पॉइंट P क्या करेंगे, फॉर पॉइंट P क्या करोगे, तो दोनों कर्व का जो इक्वेशन है दोनों को सॉल्व कर देंगे। दोनों जो कर्व का इक्वेशन है दोनों को सॉल्व कर देंगे। एक है x इक्वल टू y स्क्वायर और एक है एक्स वाई इक्वल टू के। सॉल्विंग दीज टू, सॉल्विंग, सॉल्व करो, सॉल्व इट और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो एक का वैल्यू x है, इसको उठा के इसमें रख दो तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर x के बदले इंटू वाई बराबर के, तो वाई का पावर थ्री बराबर के, तो वाई बराबर के का पावर वन बाई थ्री, तो वाई निकल गया सॉल्व करने पे। अब एक्स भी निकल जाएगा, एक्स कैसे निकालेंगे, तो वाई निकल गया तो इस पहले वाले में रख दो तो एक्स भी निकल गया, के का पावर देखो k जो है ना यहां पे हम लोग यदि देंगे k का पावर 1 बाई थ्री तो उसका पावर में फिर 2 है तो 1 बाई थ्री का पावर 2 हो जाएगा k का पावर 2 बाई थ्री, k का पावर 2 बाई थ्री। ठीक है, तो ये हो गया x, तो y और x निकल गया, मतलब ये पॉइंट p अपना मिल गया। पॉइंट p क्या मिला, k का पावर 1 बाई थ्री, सॉरी k का पावर 2 बाई थ्री कॉमा k टू दी पावर 1 बाई थ्री। ये देखो अपना पॉइंट p मिल गया x कॉमा y। समझ गए बात को आप? अब चलो, अब हम लोग जो है ना p का वैल्यू मिलने के बाद अब दोनों का m1 m2 निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करिए। x इक्वल टू वाई स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, 1 इक्वल टू 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टू वाई, तो इसीलिए m1 इक्वल टू क्या हो गया, ये पॉइंट पुट करना होगा ना, पॉइंट p है ना, तो अब पॉइंट p का वैल्यू इसमें पुट करो तो 1 बाई 2 इंटू वाई, वाई के जगह पे क्या आएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो k का पावर में 1 बाई थ्री। ये देखो m1 आ गया, पता चल गया होगा कैसे आया m1, कैसे आया m1, dy by dx निकाले पहले वाले से और उस dy by dx के वैल्यू में ये पॉइंट जो है p उसको पुट कर दिए तो m1 आ गया। अब m2, M2 के बारे में चलिए देखते हैं आप M2 कैसे निकाला जाए। तो पहले तो आपको कर्व लिखना होगा x इंटू वाई बराबर के, अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो x को आराम दिए dy वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन बराबर जीरो, यहां से dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू निकला माइनस वाई बाई एक्स। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे M2 भी मिल जाएगा, M2 मिलेगा तो Y के जगह पे आपको Y का वैल्यू पुट करके
माइनस वाई के जगह पे के का पावर 1/3 अपॉन एक्स के जगह पे के का पावर 2/3। अब आप इन दोनों को जरा सा और सॉल्व कर दीजिए तो माइनस के का पावर 1/3 में से 2/3 घटेगा, तो 1/3 में से जब माइनस होगा 2/3 तो माइनस 1/3 होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप ध्यान से, इतना तक आया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों माइनस 1/k का पावर 1/3। देखो कोई दिक्कत, इसको नीचे ले आए माइनस में था तो आप जो है ना एम टू निकाल चुके हो और एम वन भी निकाल चुके हो, दोनों निकाल चुके हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि दोनों को एम वन और एम टू दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और बराबर माइनस वन कर देना है। क्यों? क्योंकि दोनों यदि राइट एंगल पे है तो ये प्रूफ कर दीजिए, या ये मानते हुए दोनों को राइट एंगल पे प्रूफ करिए दोनों बात बराबर है। ठीक है, मतलब आपको प्रूफ करना था, इतना लाना है तो हम क्या कर रहे हैं, ये लाना था आपको ये मान के कि राइट एंगल पे है, तो हम क्या कर रहे हैं कि राइट एंगल पे मान लेते हैं दोनों है और इतना ला दे रहे हैं, बात वही है, ये ज्यादा आसान होगा। देख लो अब आपको क्या करना है ना, दोनों को m1 into m2 बराबर माइनस वन कर देना है, m1 into m2 बराबर क्या कर देना है माइनस वन। नाउ m1 into m2 बराबर माइनस वन, क्यों? क्योंकि दोनों को परपेंडिकुलर माना गया, मान लिए दोनों को क्या है परपेंडिकुलर है, तो माइनस वन होगा दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, तो 1/2 का पावर 2 into k का पावर 1/3 into माइनस 1/k पावर 1/3 बराबर माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल और यहां से 1/2 इंटू के का पावर 2/3 बराबर हो गया 1 और k, यहां से देखिए 2 इंटू के पावर 2/3 बराबर 1/2 ऐसे कर देते हैं या फिर ऐसे रहने दीजिए, देखिए है ना। अब आप दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करिएगा तो क्या होगा, क्यूबिंग बोथ साइड, तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा और ये 2/3 हट जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पे हो गया 8k² = 1 प्रूफ, 8k² = 1 जो है ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ 8k² = 1। देखो ध्यान से अच्छे से देखो ऐसे इधर है ना, अब देखिए 8k² = कितना आ गया छोटू, 8k² = 1 प्रूफ हो गया। देख लो आप दोनों तरफ क्यूब किए तो 2 का क्यूब 8 और k का पावर 2/3 उसका क्यूब हो गया तो k² हो गया, बाई में क्यूब था ना, ये 3 नीचे तो हट गया वन का, तो आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बताइए आपको जो है सो आज होमवर्क मिल जाएगा इसमें टेंजेंट नॉर्मल में, वो करके रखना है, फिर हम लोग जो है सो इससे आगे करेंगे अगले क्लास में, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से इक्वेशन निकाला जाता है, इक्वेशन निकालना सीखेंगे अगली क्लास में टेंजेंट का और नॉर्मल का, ये आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए कहीं पे किसी को दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही रहेगा, किसी कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं पूछना मिलते हैं फिर, ओके बाय, गुड नाइट।